हे गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ कॉर्नर। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यार हमारी क्लास 12th की जो हिस्ट्री है उसकी फर्स्ट थीम का चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। नोट्स के लिए बच्चे टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम हैंडल का नाम है humanities_corner। आपको वहाँ से सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, साथ के साथ आप पर्सनली भी मुझसे टेक्स्ट डालकर कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ओके इसके अलावा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यार चैनल के ऊपर क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की दोनों ही बुक्स और ज्योग्राफी की भी दोनों बुक की सीरीज साइमल्टेनियसली चल रही है, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। सही है, तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में यार मेनली हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इमर्ज हुआ, कैसे हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हाउ हिस्टोरियंस कलेक्टेड द डेटा, उनके लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज रही। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑल्दो 1-2 ही स्लाइड्स है उसके लिए और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। ठीक है, तो मेजर फोकस हमारा बुद्धिज़्म पर ही रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमको पॉइंट दिया गया है दैट इज़ फिलोसोफर्स एंड वर्ल्ड वाइड व्यूज़ फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो पहला पॉइंट ये है दैट बुद्धिज़्म डिड नॉट डेवलप इन आइसोलेशन। यानी व्हेन बुद्धिज़्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, उससे पहले और बहुत सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं हमें एक ब्रॉडर ट्रेडिशन देखने को मिला है डिबेट्स एंड डायलॉग्स का बिटवीन डिफरेंट थॉट ऑफ स्कूल्स एंड बुद्धिज़्म। यानी बाकी रिलीजन के साथ हमें इनका कन्फ्लिक्टिंग या जो माइंडसेट है, फिलॉसफी है, जो आइडिया है, जो थिंकिंग है ना, वो कहीं ना कहीं उसके कांस्टेंट डिबेट्स या डायलॉग्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हिस्टोरियंस को बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी मिली है, जैनिज़्म के बारे में जानकारी मिली है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास बुद्धिस्ट या जैना के टेक्स्ट हैं, साथ के साथ जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, बिकॉज हिंदुइज्म वॉज अ रिलीजन दैट एग्जिस्टेड इवन बिफोर बुद्धिज़्म, राइट। तो वहाँ से हमें बहुत सारा डेटा इनके बारे में मिला है। साथ के साथ हमें फिजिकल मटेरियल बहुत सारी रिमेन्स मिली है, जैसे बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स हमको इनके मिले हैं। सांची स्तूपा जो एक मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस, अब काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस बच्चे जो भी, लेट्स सपोज कोई भी वॉल है, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई भी पेंटिंग बनाई हुई है, कुछ भी कुरच करके उसके ऊपर लिखा गया है, राइट। सो एनीथिंग दैट इज रिटन ऑन वॉल, स्टोन, है ना, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन कह देते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करा है डेटा को। ठीक है, कि एंशियंट टाइम पे इनके क्या आइडियाज़ थे, कैसे बिलीव्स थे, कैसे एग्जिस्टेंस में आए, क्या इनकी फ़िलॉसफी थी, क्या इनकी टीचिंग्स थी, उन सबको हमारे हिस्टोरियंस ने पढ़ा है, समझा है और एनालाइज किया है। सही है, ओके। थर्ड पॉइंट, जो सांची स्तूपा है वो हमारे पास बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट है इस टाइम का, जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बुद्धिज़्म के बारे में देखने को मिली है। ठीक है, तो यही है, स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं हम कोरिलेट कर पाते हैं। मंक जो लाइफ इनकी है, राइट। इसके अलावा स्तूपाज इनके सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस हैं इनके बारे में, राइट। प्रेयर व्हील्स इनके होते थे, धामा का जो व्हील है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एविडेंस है। मेडिटेशन हो गया, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बाकी रिलीजन्स के साथ इनके कुछ कुछ आइडियाज़ को रिलेट भी करते हैं एंड कुछ कुछ फिलॉसफी इनकी कंप्लीटली डिफरेंट होती है, राइट। तो वही है डिबेट्स एंड डायलॉग्स। ओके, आगे चलते हैं। पहला टॉपिक, अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। ठीक है, तो हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, एक एक्सर्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जो बेसिकली एक मेजर एलेक्जेंडर कनिंघम थे, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि जो एंशियंट बिल्डिंग है सांची की वो कहाँ पे लोकेटेड है, कनखेरा के अंदर, जो भोपाल के अंदर एक छोटा सा गाँव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या इनको मिला है, इनको स्टोन के बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं। ठीक है, बुद्धा का स्टैचू मिला है, इसके अलावा एक एंशियंट गेटवे मिला है जो इसके रूइंस यानी मटीरियल रिमेन्स का पार्ट है एंड इससे बहुत सारे हिस्टोरियंस अट्रैक्ट होकर उसको देखने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये जो एलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने काफ़ी सारी इनकी ड्राइंग्स बनाई, बहुत सारी इनकी इंस्क्रिप्शंस को डिसिफर करने की कोशिश की, यानी जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, और इन डॉम्स का एक्सकेवेशन भी किया है। और ये सब मेंशन कहाँ पे, ये डेटा हमको पता चला है शाहजहाँ बेगम, जो उस टाइम पे भोपाल की नवाब हुआ करती थी, उनकी जो मेजर राइटिंग्स थी उनके अंदर हमें पता चला है कि कनिंघम के क्या एफर्ट थे, कितने टाइम तक उन्होंने वहीं पे स्टे करके इस पूरे एरिया को फिगर आउट किया था, पढ़ा था। ठीक है, ओके। इसके बाद जॉन मार्शल की बात आती है। तो जॉन मार्शल की अगर हम बात करते हैं, सो ही वॉज अगैन फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, जो सुल्तान जहाँ बेगम थी उनके टाइम पे आए थे जब वो नवाब हुआ करती थी, एंड इन्होंने भी बहुत सारी राइटिंग्स यहाँ पे लिखी है। एंड इवेंचुअली इन्होंने अपनी राइटिंग्स को भी डेडिकेट सुल्तान जहाँ बेगम को ही किया है, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया था इस चीज़ के अंदर। उन्होंने इनकी जो वॉल्यूम्स जो इन्होंने लिखी थी सांची के ऊपर, जो भी इन्होंने डिटेल्स या बुक्स लिखी थी उनको पब्लिक भी कराया था, साथ के साथ एक बहुत बड़ा म्यूजियम और एक गेस्ट हाउस भी इनके लिए अरेंज करा करके दिया था, जिसमें ये काफ़ी दिनों तक रहे थे एंड इन्होंने सांची स्तूपा को एक्सकवेट किया था। ठीक है, अब जो ये डिस्कवरी है सांची स्तूपा की वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब सांची स्तूपा को डिस्कवर किया गया था तो हमें बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली थी एंड टुडे ये एक टेस्टमेंट है कि जिस तरीके से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है, हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI है ना, एंड बाकी जो भी हिस्टोरियंस के एफर्ट्स हैं, है ना, कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे डेडिकेट करके उस पूरी जो स्क्रिप्ट वहाँ पे लिखी थी उसको डिसिफर करने की कोशिश की है। आर्किटेक्चर को सही सलामत आज भी जोड़ करके रखा गया है, तो वो एक टेस्टमेंट स्टैंड करता है हमारे उन लोगों को जिन्होंने अपना टाइम और एफर्ट डाल के इसको प्रिजर्व और रिस्टोर करने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब यूरोपियंस जो थे उनका भैया बहुत इंटरेस्ट था सांची स्तूपा के अंदर। फ्रेंच अथॉरिटीज़ आती है कि कहती है कि आप एक काम करो, ये ईस्टर्न गेटवे उखाड़ो और ये हमें दे दो, हम अपने म्यूजियम में ले जाके लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा मार्वल स्ट्रक्चर हुआ करता था। अगर हम अपने इंडियन जितने भी आर्किटेक्चर को देखते हैं पुराने वाले, जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास अजंता एलोरा केव्स हैं, राइट। साउथ के अंदर हमारे पास बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जिनका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत मार्वलस है, मतलब 3D है, 4D है, हर तरीके की चीज़ें उसमें डाली गई है जो आज के टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। उस टाइम पे हमारे राजा महाराजाओं ने ऐसे स्ट्रक्चर बनवा करके रखे थे, राइट। सो ये लोग तो हमेशा से इंटरेस्टेड रहते थे इन चीज़ों में। कहते हैं ईस्टर्न गेटवे आप उखाड़ो, हमको दे दो, हम फ्रांस ले जाएंगे। तो उस टाइम पे शाहजहाँ जो बेगम थी उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली इंग्लिशमैन थे, वो कहते थे हमको भी कुछ उखाड़ो, हमको भी दे दो, हम भी अपने देश लेकर के जाएंगे। हैं, इन्होंने तो हलवा समझ रखा है कि आइए ले जाइए उखाड़ करके, सारी चीज़ों को ऐसे ले जाओ। ठीक है, बट फॉर्चुनेटली इस केस के अंदर हमने फ्रेंच और इंग्लिशमैन को दोनों को ही प्लास्टर कॉपीज दे दी एंड ओरिजिनल वंस आज भी हमारे पास हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं जिनको उखाड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है, मरोड़ दिया गया है, मॉडिफाई करके कुछ और ही बना दिया गया है, राइट। तो इसीलिए हम जो एफर्ट्स हैं हमारे ASI डिपार्टमेंट के कि उन्होंने इस साइट को प्रिजर्व करके रखा, उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द बैकग्राउंड सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है दैट वाई मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज कंसीडर्ड एज ए टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज इस टाइम पे हमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स का इमर्जेंस देखने को मिला था। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ज़राथुस्त्रा हमें ईरान के अंदर देखने को मिले थे, जिन्होंने एक रिलीजन को फाउंड किया था जिसका नाम था ज़राथुस्त्रानिज़्म। ठीक है, उसके अलावा चाइना के अंदर कॉन्गजी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कॉन्फ्यूशियन थाट्स को शेप किया था, फ्रेम किया था। कॉन्फ्यूशियन थॉट से मतलब है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर थोड़ी बातचीत होनी चाहिए, मास एजुकेशन के ऊपर, है ना। तो अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग लोग आ रहे थे जो अपनी अलग अलग फिलॉसफी दे रहे थे। ठीक है, इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन स्कॉरेट्स का, प्लेटो का, अरिस्टोटल का, इनका नाम आपने सुना होगा कि ये वेस्टर्न फिलॉसफी थे जो ग्रीस के अंदर से आए थे। इन्होंने बहुत सारी फिलॉसफीज दी थी सोसाइटी को लेकर के, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर के, सोशलिज्म को लेकर के, कैपिटलिज्म को लेकर के, राइट। सो दीज वर द टाइम जहाँ पे अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर अलग अलग इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स उभर करके आ रहे थे। सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास महावीरा और गौतम बुद्धा भी आ रहे थे, हु आर कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये जो लोग थे इन्होंने कोशिश की थी कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की और कॉस्मिक ऑर्डर की, यूनिवर्स हो गया या फिर रिलीजन हो गया या फिर गॉड के साथ जो भी रिलेशनशिप है, उसको समझने की कोशिश की थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि किस तरीके से आज के समय का हमारा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसी टाइम पे अगर हम इंडिया की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो हमारे पास नए किंगडम्स और नई सिटीज़ इमर्ज होने लग रही थी, स्पेशली गंगा प्लेन के अंदर, एंड उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था हमारी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर। तो ये जो डेवलपमेंट्स, ये जो चीज़ें इन फिलोसोफर्स ने समझी, इंटेलेक्चुअल जो इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशंस दिए, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे कल्चरल लैंडस्केप को शेप करने के लिए, जो आज तक हमें इन्फ्लुएंस करता है, राइट। इससे पहले इतने थॉट ऑफ स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। आज के टाइम पे देखते हो तो हर कोई फिलोसोफर बना बैठा है। ठीक है, सबकी अपनी एक थिंकिंग, आइडियोलॉजी है, जो कि एक अच्छी बात भी है। बट अगर हम टेक्निकली स्पीकिंग बात करते हैं तो फर्स्ट मिलेनियम BCE के अंदर बहुत सारे लोग आने लगे थे। ठीक है, जिनसे और भी लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे थे, उनकी बातों से वो सहमत होते थे, जो फिलोसफी वो देते थे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइट। उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी फिलोसफीज दी है, एक वे ऑफ थिंकिंग दिया है, एक वे ऑफ लाइफ दिया है, राइट। दिस इज वॉट रिलीजन इज, कि आपको एक वे ऑफ लाइफ देते हैं, एक वे ऑफ थिंकिंग देते हैं कि आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए, है ना। कुछ सेट ऑफ रूल्स देते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट आपको बताते हैं, है ना, कि ये आपके अच्छे कर्म है, ये आपके सदकर्म है। हर रिलीजन की अपनी एक फिलॉसफी होती है। तो अब ये हमें नए ऐसे थॉट प्रोसेसेस उभरते हुए देखने को मिल रहे थे, कब? मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अंदर। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द सेक्रीफाइजल ट्रेडिशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसी टाइम पे 1500 से 1000 बीसी के आसपास हमारी ऋग्वेदा भी कंपाइल हो रही थी, ठीक है, जिसमें हमारे नए थॉट्स आ रहे थे, साथ के साथ हमारे जो प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थे वो भी चल रहे थे, ठीक है। अर्ली वैदिक ट्रेडिशन का मार्क यहाँ से होने लगता है। इसमें मेनली हमारे यहाँ पे क्या होता था, जो हाइमेंस होती थी, जो मंत्र होते थे, उनके जाप होते थे, राइट। डीटीज यानी जो हमारे देवी देवता होते थे उनके लिए डेडिकेटेड डिफरेंट उनकी मंत्र होते थे, उनकी उपासना होती थी, उनकी पूजा होती थी, जिसमें हम अग्निदेव को, इंद्रदेव को और सोमदेव की पूजा करते थे, ठीक है। अब जब सेक्रीफाइसेस होते थे, सेक्रीफाइसेस यानी हवन होते थे या कुछ भी पूजा पाठ होता था, कोई भी इवेंट सेलिब्रेट होता था, तो उसमें इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था एंड लोग पूजा करते थे अपनी कैटल्स के लिए, सन के लिए, गुड हेल्थ के लिए और एक लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है। इनिशियल सेक्रीफाइसेस की अगर हम बात करते हैं, सेक्रीफाइसेस से मतलब है हमारा पूजा पाठ, हवन, जो भी एक बड़ा इवेंट होता था, पहले वो पूरी कम्युनिटी के थ्रू होते थे, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर 1000 BC जो सेक्रीफाइसेस होते थे अब घर में भी लोग करने लगे थे, छोटी मोटी पूजा कर लेते थे, पाठ कर लेते थे, राइट। तो यहाँ पे जो हेड होते थे हाउस होल्ड के, वो कंडक्ट करते थे। इसके अलावा एलोबरेट सेक्रीफाइसेस भी होते थे, बड़े बड़े तप यज्ञ भी होते थे जो पूरे राज्य के लिए होते थे। कौन कराते थे? चीफ्स कराते थे, किंग्स कराते थे, जिसको राजसूया या फिर अश्वमेधा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1 मार्क के लिए याद रखना कि जो एलोबरेट सेक्रीफाइसेस होते थे उनको क्या कहा जाता था, कौन कराते थे, ठीक है। आगे चलते हैं न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो उससे पहले कुछ रिलीजन एग्जिस्ट करते थे, अब बुद्धिज्म, जैनिज्म आ गए हैं, है ना, लोग क्वेश्चन करने लग रहे हैं, राइट। तो जो पहले वाले हमारे सेक्रीफाइजल ट्रेडिशंस होते थे, अब लोग उनकी सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे थे, है ना। तो ऐसे ही डिबेट्स और डिस्कशंस चलते रहते थे, है ना। तो यही था कि जो टीचर्स थे महावीरा एंड बुद्धा, वो कहते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है अपने खुद के लिबरेशन के लिए, यानी ये जो जन्म मरण का जो साइकिल है, रीबर्थ का जो साइकिल है, इससे मुक्त होने के लिए आपको खुद को एफर्ट्स करने होंगे, मेडिटेट करना होगा, अच्छे काम करने होंगे, राइट। तो सिमिलरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 64 सेट्स यानी 64 सेट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट मेंशन किए गए। तो बुद्धिज्म में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, लोगों की अलग अलग मान्यता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक अर्ली बुद्धिज्म होता था, फिर बुद्धिज्म का एक नया रूप निकल करके आया, राइट। तो इसी तरीके से तो अब क्या होने लगा था, अब जो कुटुकशालाएं होती थी यानी जो हट्स होती थी वहाँ पर डिबेट्स होते थे, ठीक है। लेट्स सपोज करो ए पर्सन है और बी पर्सन है, इसकी एक्स आइडियोलॉजी है, ये एक्स मानता है, ये वाई को मानता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिबेट होगा वर्सेस, इन दोनों के बीच में डिबेट होगा। इसको इसे कन्विंस करना है कि भाई मेरी आइडियोलॉजी सही है, ए को बी को कन्विंस करना है कि नहीं भैया तेरी गलत है मेरी सही है, ठीक है। तो ये डिबेट होता था और इसमें जो जीत जाता था, लेट्स सपोज करो बी जीत गया, ठीक है, सपोज करते हैं कि बी वन, तो बी ए को एंड ए लॉस्ट, ठीक है। तो जो लूजर होता था, जिसने लॉस्ट किया होता था, उसे इसका रिलीजन अडॉप्ट करना पड़ता था। साथ के साथ इस ए रिलीजन के, इसके साथ के जितने भी फॉलोअर्स होते थे उन सबको भी इसी का रिलीजन अडॉप्ट करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें भी चलती रहती थी, राइट। आगे चलते हैं, हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है। अब जो बुद्धा की अगर हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने जितनी भी अपनी टीचिंग्स दी है वो ऑरली दी है, ठीक है। अब कोई भी उनका रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, कोई भी उनकी रिटन स्पीच एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद इनके जो भी डिसिप्लिन्स होते थे, जो इनके फॉलोअर्स होते थे, उन्होंने इनकी सारी टीचिंग्स को कंपाइल किया, खुद लिखा, मतलब जो भी बुद्धा ने मैसेज डिलीवर किया था वो उन्होंने नहीं लिखा, ना उन्होंने लिखवाया। उनकी डेथ के बाद उनके डिसिप्लिन्स ने, उनके फॉलोअर्स ने उस सबको कंपाइल करके कहाँ पे बनाया, एक आज के टाइम पे बिहार के अंदर वैशाली नाम की एक जगह है, वहाँ पे कलेक्ट करके लिख के उन सारी स्क्रिप्ट्स को वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन थे इनकी 3 तरीके के टेक्स्ट हमें इनको देखने को मिले। नेक्स्ट जिसको बोलते हैं तिप्तिका, ठीक है। तिप्तिका का मतलब होता है 3 बास्केट्स, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 विनय पिटिका की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सारे रूल रेगुलेशंस हैं, जो आपका जो मोनेस्टिक ऑर्डर होता था, बुद्धिज्म का जो बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है वो लिखा हुआ है। सुता पत्रिका के अंदर जो भी गौतम बुद्ध की टीचिंग्स थी, जो भी वो लेक्चर्स देते थे या जो भी होता था वो सब लिखा हुआ है। एंड अभिधामा पत्रिका के अंदर आपके फिलोसफिकल मैटर्स को लिखा गया था, राइट तो बुद्धा ने कोई भी टीचिंग ना खुद लिखी ना अपनी लिखवाई। उनकी डेथ के बाद उनके जो भी डिसिप्लिन्स थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने कंपाइल की है एंड इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसको तिप्पिटिका बोलते हैं। पहली विनय पित्तिका, दूसरी सुत्ता पित्तिका एंड तीसरी अभिधामा पित्तिका। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, CUET के अंदर भी आ सकता है, MCQ में या फिर 2-3 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से लिख लेना। आगे चलते हैं। उसके बाद जो कमेंट्रीज जो थी वो भी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने अपने आप उन टेक्स्ट के अंदर ऐड ऑन की है, ठीक है। अब जैसे जैसे बुद्धिज्म स्प्रेड होने लगा तो कुछ रीजनल टेक्स्ट लिखे जाने लगे, जैसे कि दीपावमसा एंड महावमसा। इसमें बेसिकली वही होता था जो बायोग्राफीज़ होती थी बुद्धा की, है ना, जो लोग उनसे बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड थे उन्होंने इनके ऊपर बायोग्राफीज़ लिखी है कि उनका क्या रहन सहन था, वो कैसे रहते थे, उनकी हिस्ट्रीज़ लिखी है, स्पीचेज़ लिखी है, राइट। तो बाकी लोगों ने लिखा है। अब जो पुराने टेक्स्ट होते थे वो पहले पाली में होते थे, उसके बाद उनको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया या संस्कृत में लिखा भी गया, राइट। अब कुछ और जो हमारे पिलग्रिम्स आते थे, है ना, जो दूसरे देशों से आते थे, जैसे चाइना से आया है, वाजियान आए हैं, जुआन जांग आए हैं, ठीक है, उन्होंने इन टेक्स्ट को कलेक्ट किया एंड फिर इनको चाइनीज़ के अंदर ट्रांसलेट करके वहाँ पर भी पब्लिश किया है। ओके, इंडियन बुद्धिस्ट भी काफ़ी दूसरी जगहों पर ट्रैवल करते थे अपनी टीचिंग्स के साथ, अपने टेक्स्ट को लेकर के, सो दैट ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस रिलीजन को या इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया जा सके, ठीक है। अब जो टेक्स्ट थे इनको काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज़ के अंदर आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है ऑल अक्रॉस द एशिया, ठीक है। एंड अब बहुत सारी लैंग्वेजेस में इनके ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलते हैं, पाली, संस्कृत, चाइनीज़, तिब्बतन टेक्स्ट एट्सेट्रा। आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि अच्छा बुद्धा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कुछ भी रिटर्न उनका रिकॉर्ड है नहीं, उनके डिसिप्लिन्स ने लिखा है, कहाँ लिखा है, कैसे कैसे कलेक्ट किया और कैसे कैसे ऑल अराउंड एशिया या दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जा करके इसको स्प्रेड किया है, ठीक है। बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा। तो अब हम जैनिज़्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो महावीरा जो थे, है ना, जो 24 तीर्थनाकर माने जाते हैं, उनका असली नाम बचपन में वर्धमान हुआ करता था, ठीक है। तो इनके बर्थ से भी पहले जैनिज़्म एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन इनको माना जाता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए एंड सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड हुआ था जैनिज़्म वो इन्हीं के नाम पर हो रहा है, ठीक है। ओके, तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, ये हमारे 24 तीर्थनाकर माने जाते हैं। एंड कोर बिलीफ यही था कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, यानी जो भी चीज़ है, भले ही वो पत्थर है, रॉक है, वाटर है, पेन है, पेपर है, हर चीज़ में लाइफ है, ठीक है। तो इनका प्रिंसिपल था अहिंसा यानी नॉन इंजरी, कि आपको किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, भले ही वो कोई ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, प्लांट है, इंसेक्ट है, राइट। यही इनकी मेजर थीम थी फिलॉसफी की। जैना टीचिंग्स के अंदर जो मेजर जो सेंट्रल थीम था दैट इज ऑन कर्मा, ठीक है, कि आपका जो साइकिल है बर्थ का, रीबर्थ का, वो डिपेंड करेगा कर्मा के ऊपर। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, नहीं है तो नहीं होगा, राइट। अब उसके बाद 2 इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला है असैटिसिज्म। असैटिसिज्म का मतलब होता है असन्यास, ठीक है। एंड पीनेंस, पीनेंस का मतलब होता है तपस्या, ठीक है। वो कहते हैं कि आपको एक तो संन्यास लेना पड़ेगा, यानी ये जो आपका जो वर्ल्डली एक रिलेशनशिप है कि आपका जिस भी तरीके का आपका लाइफस्टाइल है, संन्यास का मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि आपको बुरी चीज़ों से, बुरे कर्मों से संन्यास लेना है, राइट। सो ये डिपेंड करता है लोगों के लिए कि क्या सेंस वो उसके अंदर मान रहे हैं। एंड इसके अलावा आपको तपस्या करनी होगी, तप करना होगा, ठीक है, ताकि आप इस मोह माया के बंधन से छुटकारा पा सके, बर्थ रीबर्थ के साइकिल से फ्री कर सके अपने आप को, ठीक है। एंड रीनाउंसिंग द वर्ल्ड इज एसेंशियल, है ना, सैल्वेशन। अगैन वही कि अगर आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी है, ठीक है, तो वर्ल्ड को रीनाउंस करना पड़ेगा। तो मोनेस्टिक लाइफ को ये नेसेसरी बताते थे। उसमें 5 तरीके की जो भी जैना मंक्स होते हैं या नंस होते हैं वो 5 वॉज लेते हैं, है ना। जैसे कि पहली तो वो किसी को मारेंगे नहीं, है ना, दूसरा वो चोरी चकारी नहीं करेंगे, तीसरा वो झूठ नहीं बोलेंगे, चौथा वो सेलिबेसी को ऑब्जर्व करेंगे यानी ब्रह्मचारी जीवन को, राइट। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी को हॉर्ड करके या पोसेस करके नहीं रखेंगे, उन्हें उससे भी एब्सटेन करना है, ठीक है। तो ये था हमारा जैनिज़्म के बारे में। स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म की अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे वो ऑल अक्रॉस द इंडिया स्प्रेड हुआ, ठीक है। अब इनके जो स्कॉलर्स थे इन्होंने भी काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम किया है, प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में, हमें बहुत सारे टेक्स्ट इनके देखने को मिले हैं। इनकी मेन्यूस्क्रिप्ट्स को टेम्पल लाइब्रेरीज़ के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। जो अर्ली हमारे पास स्टोन स्कल्पचर्स है तीर्थनाकर से रिलेटेड वो हमें डिफरेंट साइट्स में मिले हैं अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। ये हमें ऐसे कुछ स्क्रिप्ट इनकी देखने को मिली है, ठीक है। आगे चलते हैं। द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब अगर हम देखें तो वो होता है अवेकनिंग, यानी आपको ऐसी नॉलेज लेनी है कि आप, अगेन वही है कि आप मोक्ष प्राप्त कर सके। इनका जो मेजर जो एंड गोल था दैट इज टू अटेन निबाना, ठीक है। निबाना एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आप अगेन बर्थ रीबर्थ के साइकिल से फ्री हो जाते हो, ठीक है। पहला है कि हाउ वी नो अबाउट बुद्धाज टीचिंग, हमें कैसे पता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बुद्धा की टीचिंग को हम अगेन वही टाइम टू टाइम हमने पढ़ लिया कि उनके डिसिप्लिन्स ने बहुत सारे उनके बारे में टेक्स्ट लिखे हैं, है ना। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख सकते हो जो आप लास्ट टू लास्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ के आए थे कि तिप्पिटका 3 इनकी जो मेजर टाइप के टेक्स्ट हैं उनके डिसिप्लिन्स ने उनके लिए बनवाए हैं, राइट। तो हमें बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू काफ़ी सारा डेटा देखने को मिलता है। साथ के साथ हिस्टोरियंस ने इनकी हेगोग्राफीज़ को यूज़ किया है। हेगोग्राफी का मतलब होता है बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ सेंट या फिर किसी भी रिलीजियस लीडर की जो बायोग्राफी होती है उसको हम हेगोग्राफी कहते हैं। इसमें यूजुअली सेंट्स के अचीवमेंट्स या प्रेजेस होते हैं, ठीक है। ऑल्दो काफ़ी बार बिल्कुल करेक्ट भी नहीं हम इनको मान सकते, लेकिन हमें काफ़ी सारा आइडिया मिल जाता है, इंसाइट मिल जाता है इनके बिलीफ के बारे में एंड इनके फॉलोअर्स और उनके ट्रेडिशन लाइफस्टाइल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। तो इसी बेसिस पे हमारे पास एक स्टोरी है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका नाम था पहले सिद्धार्था, ठीक है। तो सिद्धार्था की अगर हम बात करते हैं तो वो एक चीफ हुआ करते थे, बहुत बड़े राजा होते थे, सकाया क्लान के उनके बेटे थे, ठीक है। अब उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो बहुत ज़्यादा शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग हुई थी, यानी उनकी जो मदर थे या फादर थे वो उनको बाहर नहीं जाने देते थे, तो उन्हें लाइफ की हार्ड रियलिटीज़ के बारे में पता ही नहीं था। वो अपने राज्य में ही रहते थे और बहुत खुश उनका एक लाइफस्टाइल, एक बबल में उनका लाइफस्टाइल हुआ था, ठीक है। लेकिन एक दिन वो अपने चैरियोटर रथ वाले को कहते हैं कि नहीं भैया मेरे को शहर में लेके जाओ, मुझे देखना एक्चुअली में है कहाँ। एंड जो उनका फर्स्ट एक्सपोजर था आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल हो गए थे, ट्रॉमेटाइज हो गए थे जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक कॉर्प्स लाश को देखा, ठीक है। एंड उनको ये समझ में आता है कि भैया ये जो डिके है, ये जो हमारा अंत है, ये इनएविटेबल है, इससे बचाव नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड इसी से वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे और उन्होंने अपने पैलेस यानी अपने राज्य को छोड़ दिया, ठीक है। एंड वो अलग अलग रास्ते अपनाने लगे, जैसे उन्होंने बॉडीली मोटिफिकेशन किया था। बॉडीली मोटिफिकेशन यानी आप वंचित रखते हो अपनी बॉडी को, ठीक है। आप खाना नहीं खाते हो, पीना नहीं खाते हो, सॉरी खाना नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हो, अपने आप को पेन देते हो, ठीक है। बट वो भी काम नहीं किया, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सारी एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस को अबॉन्डन किया एंड इन्होंने मेडिटेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत दिनों तक ये मेडिटेट करते रहे एंड इन्होंने निबाना को अचीव किया, एनलाइटमेंट को अचीव किया, ठीक है। सो दैट्स हाउ ही बिकेम बुद्धा या फिर द एनलाइटेड वन। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन्होंने बाकी सब लोगों को धामा के बारे में पढ़ाया है, द पाथ टू राइटियस लिविंग, कि कैसे आप एक सही सार्थक जीवन बिता सकते हैं, सही है। बुद्धा की टीचिंग मेनली हमें सोतापत्तिका के अंदर मिली है। सेंट्रल टीचिंग वही थी कि जो सोरो है, दुख है, वो इनहेरेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ वो अपनी 100 टेंशनें लेकर के पैदा होता है, राइट। तो उसको तो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते हो, राइट। और अगर आपको इन सांसारिक ट्रबल्स, इन विपदाओं से अगर आपको बचाव करना है तो आपको एक पेनेंस यानी तपस्या करनी होगी और सेल्फ इंटेलिजेंस, अपने कर्मों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, खुद के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अर्ली बुद्धिज़्म ऑल्दो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर फोकस नहीं करता था। कुछ स्टोरीज़ है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि बुद्धा के पास बहुत ही कुछ सुप्रा नेचुरल पावर होती थी, लेकिन वो इस चीज़ को मना करते थे एंड वो क्या करते थे, यूजुअली वो लोगों को समझाते थे, राइट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही दुखी औरत थी क्योंकि उसका बेचारी का बच्चा मर गया था, ठीक है। सो रादर देन उनको कोई ढकोसला देने के बजाय या उनकी झूठी सांत्वना देने के बजाय उन्होंने उसको समझाया कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, उससे बचाव नहीं हो सकता है, राइट आप उसको नहीं रोक सकते हो, राइट तो वो रीजंस देते थे एंड लोगों को परसुएड करने की कोशिश करते थे सही एक्सप्लेनेशंस दे करके, ठीक है। तो अब जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो कहते हैं कि जो संसार है वो ट्रांजिएंट है, अनिका है, यानी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, हर दिन हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड सोललेस है, अनंत है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज फॉर एवर, इटर्नल कुछ भी नहीं है, राइट। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, आज दुख है कल सुख है, राइट सो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बुद्धा का व्यू यही था कि जो सोशल वर्ल्ड है वो ह्यूमन क्रिएशन का बनाया हुआ है, हमने ही बनाया है, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इंफीरियर सुपीरियर है, ये सब कुछ हमने बनाया है, राइट तो वो एडवाइस करते थे कि जो भी रूलर्स है या जो हाउस होल्ड्स है उनको कैसा होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, उनके मन में सद्भावना होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, अगर उनके आसपास कोई लोग काम भी करते हैं, उनके नौकर भी है तो उनके साथ उन्हें अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कि हर इंसान को इंडिविजुअल एफर्ट करने पड़ेंगे एंड सही कर्म करने पड़ेंगे ताकि वो इस रीबर्थ की साइकिल से एस्केप हो सके, छुटकारा पा सके एंड निबाना को अचीव कर सके, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। एंड उनके लास्ट वर्ड यही थे, जेन्युइनली सॉरी, बी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट फॉर योर ओन लिबरेशन, यानी खुद के लिए वो प्रकाश बनो, खुद के लिए रास्ता दिखाओ, बिकॉज आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे अपने लिबरेशन के लिए, अपने निबाना के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, ठीक है, सो दैट वाज हिज बेसिक आइडिया। एंड हमने पढ़ लिया कि क्या उनका लाइफस्टाइल था, कैसी उनकी शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग हुई थी। बट वंस ही लैंडेड इन द सिटी, उन्होंने बहुत डिफरेंट केसेस देखे, फिर उन्होंने बहुत सारी एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने मेडिटेशन किया। एंड वंस ही अचीव्ड निबाना, उन्होंने अपने पूरी जो लाइफ थी उसके अंदर लोगों को धामा की टीचिंग बताने के लिए डिवोट कर दी। ठीक है, फॉलोअर्स की अगर हम बात करते हैं, फॉलोअर्स में बुद्धा से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, बुद्धा की टीचिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 8 नंबर में भी आ सकता है। एंड बहुत ईजी सा चैप्टर अगर आप देखोगे तो ओके। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में लास्ट टू लास्ट ईयर आया था कि आपको स्ट्रक्चर बताना है बुद्धिस्ट संघ का, कैसा उनका फॉर्मेशन था, कैसे वो लोग रहते थे। ठीक है, तो बेसिकली अब जब बुद्धा की जो डिसिप्लिन्स थे वो ग्रू होने लगे, 2, 4, 5, 10, 15, 20 होने लगे, है ना, तो एक संघ बनने लग गया, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गई जिसमें जो मॉन्क्स जो पुराने हो जाते थे, जिन्होंने काफ़ी टाइम से इस चीज़ को वो परस्यू कर रहे थे, वो टीचर्स बन जाते थे, वो अपने नए जो डिसिप्लिन्स आते थे उनको ज्ञान देते थे या बेसिक टीचिंग्स उनको पढ़ाते थे। ठीक है, ओके। अब ये जो मॉन्क्स होते थे ये बहुत ही सिंपल सादा जीवन जीते थे, आर्म्स यानी भिक्षा के ऊपर ये डिपेंडेंट रहते थे, यानी इनको क्या बोलते थे, भिक्खूस बोलते थे। ठीक है, पहले सिर्फ और सिर्फ जो मेन होते थे उन्हीं को ये एडमिट किया जाता था, लेकिन बुद्धा के एक बहुत ही क्लोजेस्ट डिसिप्लिन हुआ करते थे आनंदा, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि हमें वुमेन्स को भी आने देना चाहिए। एंड उसके बाद वुमेन्स को अलाउ किया गया, तो जो हमारी पहली ऑर्डिनेट भिकुनी थी यानी जो फीमेल मॉन्क थी उसको बुद्धा ने अपनी माँ का दर्जा दिया। ठीक है, एंड उनको बोला जाता है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, अब जो वुमेन थी अगेन वो भी अब टीचर्स बनने लग गई, उन्होंने भी लिबरेशन को अटेन किया, है ना, एंड अर्निंग द टाइटल ऑफ थेरेस। थेरेस का मतलब होता था रिस्पेक्टेड वुमेन्स, राइट। तो इनके लिए टाइटल क्या यूज़ किया गया है, थेरेस। 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, CUET के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। आगे चलते हैं, अब जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे, बहुत सारे राजा थे जो अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके, बहुत बड़े बड़े आदमी होते थे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते थे, वर्कर्स भी थे, स्लेव्स भी थे, क्राफ्ट पीपल भी थे। ठीक है, लेकिन वंस दे एंटर इन टू द संघा एवरीबडी वॉज ट्रीटेड इक्वल, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो क्या थे क्या नहीं थे, अब वो सब एक बराबर है। आप जो संघ के अंदर कोई भी जो डे टू डे डिसीजन होना है किसी भी चीज़ को लेकर के वो यूजुअली कॉमन कंसेंसस पे कर लेते थे, है ना, जो भी एक कॉमन वोट आ रहा है, या फिर अगर कई बार कॉमन कंसेंसस पे बात नहीं बनती थी तो वोटिंग कर लेते थे, है ना, फेवर में वोट ज़्यादा है तो ठीक है, फेवर में नहीं है तो वो डिसीजन रद्द हो जाता था। तो ऐसा इनका संघ अंदर से फंक्शन करता था। ठीक है, ड्यूरिंग बुद्धा लाइफ टाइम एंड उनकी डेथ के बाद भी बुद्धिज्म बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हुआ है। ठीक है, आज भी काफ़ी हद तक हमें इनकी मोनेस्ट्रीज, मॉन्क्स, नंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, राइट। इनका जो मेजर एम्फेसिस होता था दैट वाज ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपको एक सादा जीवन जीना है एंड आपकी कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, यही कोर वैल्यूज़ यही थी कि आपको मेटा यानी आपके जो फेलो है, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके टुवर्ड्स आपको कंपैशनेट होना है, करुणा का भाव रखना है, सद्भाव रखना है, बुरी कोई फीलिंग उनके बारे में नहीं रखनी है। ठीक है, एंड स्पेशली जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे वीक है, राइट, तो यही इनकी कोर वैल्यूज़ हुआ करती थी। ओके, आगे चलते हैं स्तूपास के अंदर, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। सबसे पहले चैत्या, चैत्या अगर हम बात करते हैं तो चैत्या हम ये भी मान सकते हैं कि चिता से आया है, जिसका मतलब होता है जो भी आपकी फ्यूनरल होती है ना, है ना, काफ़ी लोगों की समाधि बना दी जाती है जब उनकी डेथ हो जाती है, जो भी हमारे कुछ बड़े फिलोसोफर्स होते हैं उनकी समाधि बना दी जाती है, राइट। तो वहाँ से हम मान सकते हैं कि इस वर्ड को आया है। ऑल दो अगर हम एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ चैत्या, तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी नेचुरल साइट्स, है ना, जैसे कि या तो कोई स्पेशल ट्री है या कोई रॉक है या फिर कोई भी एक ऐसा स्कल्पचर है हमारे सामने जिसको सेक्रेड माना जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, चैत्यास बोलते हैं, राइट। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर ऐसे कुछ स्पेसिफिक चैत्यास का मेंशन किया गया है जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है, जैसे लुम्बिनी, वहाँ पे इनका ये बहुत बड़ा स्टैचू है, ये वो जगह है जहाँ पे इनका, सॉरी लुम्बिनी में नहीं है, सॉरी ये बोध गया के अंदर है, लुम्बिनी के अंदर भी इनका एक स्कल्पचर हमें देखने को मिला है जहाँ पे ये बॉर्न हुए थे, वहाँ पे बहुत सारी कुटिया भी, एक बहुत बड़ा इनके डेडिकेट करके वो बनाया है लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट बोध गया, बोध गया इज़ द प्लेस जहाँ पे इन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया था, निबाना अटेन किया था। ठीक है, सारनाथ, सारनाथ वो जगह है जहाँ पे इन्होंने पहला अपना भाषण दिया था, वो सेमन स्पीच दी थी। ठीक है, कुशीनगरा इज द प्लेस जहाँ पे इन्होंने निबाना को अटेन किया था। अच्छा, एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि आपको वो नॉलेज आ गई है, आपको वो पाथ पता चल गया है कि आपको अब करना क्या है, सोशल अवेकनिंग हो गई है। ठीक है, एंड फाइनली जब आप उस चीज़ को अटेन कर लेते हो दैट इज कॉल्ड निबाना, राइट। तो दिस इज द फाइनल स्टेज एंड दिस इज द इनिशियल स्टेज, जब आपको समझ में आ जाता है। तो कुशीनगरा के अंदर इन्होंने निबाना को अटेन किया था। ओके 200 साल के बुद्धा की डेथ के आफ्टर बुद्धाज टाइम तो जो किंग अशोका थे हमने पढ़ा है कि उन्होंने भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था राइट। तो उन्होंने एक पिलर बनवाया था लुम्बिनी के अंदर इनका है ना एंड उसको एक सेक्रेड साइट घोषित कर दिया गया था। तो चेतिया हमारी जो भी सेक्रेड साइट्स होती है ना जो भी हमारे लिए एक तरीके से कुछ भी ऐसा मॉन्यूमेंट हो सकता है कोई ट्री भी हो सकता है कोई पत्थर भी हो सकता है राइट जिसको हम सेक्रेड मानते हैं पवित्र मानते हैं सॉर्ट ऑफ राइट। ओके आगे चलते हैं वाई वर स्तूपास बिल्ट यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है एंड हाउ वर स्तूपास बिल्ट दोनों क्वेश्चन साथ में भी आ सकते हैं या अलग अलग से भी आ सकते हैं ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं क्यों बनाए जाते थे। तो बेसिकली स्तूपास को बनाया गया है टू होल्ड सेक्रेड रिलिक्स। रिलिक्स का मतलब होता है रिमेन्स राइट जो भी उनकी रिमेन्स है बुद्धा की जैसे लेट्स सपोज उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट्स कहीं पे यूज़ करते थे वो है ना उनका रहने का लेट्स सपोज उनका जो घर था है ना उसको उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। तो ऐसे जो उनके रिमेन्स हमारे पास अवेलेबल है उनको सेव करके रखने के लिए उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए स्तूपास को बनाया जाता था ठीक है। अब स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल बन गए थे बुद्धा और बुद्धिज्म से एसोसिएट होने लग गए थे। अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं तो जो किंग अशोका थे उन्होंने बुद्धा के जो भी रिलिक्स थे रिमेन्स थे उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ठीक है एंड वहाँ पे भी स्तूपास बनवाए थे ठीक है। सेकेंड सेंचुरी बीसी तक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट स्तूपास थे जैसे बहरूत के अंदर एक था सांची के अंदर एक था सारनाथ के अंदर एक था। मैंने बाद में मैप भी अटैच करके रखा है जिसमें इन सारी लोकेशंस को हमने टिक मार्क किया है तो हम उसको देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे स्तूपास थे राइट। सो स्तूपास के अंदर बेसिकली जो भी आपके मटेरियल रिमेन्स थे या जो सेक्रेड रिलिक्स थे उनको प्रिजर्व रखने के लिए उनके ऊपर स्तूपा बना दिए जाते थे जहाँ पे उस सामान को स्टोर किया जाता था। किंग अशोका ने बहुत सारे जो मटेरियल रिमेन्स बुद्धा के हमारे पास अवेलेबल थे उनको ऑल अराउंड द कंट्री डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पे स्तूपास बनाने के ऑर्डर्स दिए थे ठीक है। अब स्तूपास को बनाया कैसे जाता था तो जो इंस्क्रिप्शंस जो भी रेलिंग या पिलर्स बने हैं हम अभी आगे देखेंगे स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा है तो उसके आसपास जो भी रेलिंग या पिलर्स बने हैं उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस होती थी उनके ऊपर लिखा होता था किसने बनवाया है किसने दान दिया है क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ठीक है। तो डोनेटर्स जो होते थे उनके रिकॉर्ड होते थे। इसके अलावा कुछ डोनेशंस किंग्स के थ्रू भी आते हैं जैसे सातवाहना जो थे बड़े राजा थे उन्होंने भी बहुत सारा डोनेट किया था। कुछ जो आम लोग होते थे गिल्ड्स होते थे जैसे आइवरी वर्कर होते थे वो भी अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी डिवोट कर पाते थे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हमें देखने को मिले हैं जैसे एक गेटवे सांची स्तूपा का इन्होंने बनवाया था ठीक है। इसके अलावा जो भिक्कूस थे मॉन्क्स और जो भिक्कूनी नन उनके पास जो भी बन पाता था वो भी इनके अंदर डोनेट करते थे ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं हम स्तूपा का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है राइट। स्तूपा का मतलब होता है हीप ठीक है हीप संस्कृत हीप का मतलब जैसे ये ढेर नहीं हो जाता ऐसे हीप यही होता है ना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं जैसे कूड़े का ढेर हो गया तो वो इसी तरीके से इकट्ठा हो जाता है ठीक है। नॉट एसोसिएटिंग इट विद दैट एग्जांपल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग प्लीज इसको कोई माइंड ना करना ठीक है। ओके तो बेसिकली एक सिंपल राउंड मोंड होता है इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना अंडा जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो पूरा हमारा जो गोल है इसको हम क्या बोलेंगे अंडा बोलेंगे ठीक है अंडे की तरह गोल है ऊपर से ओके। ओवर टाइम ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे जैसे नई डोनेशंस आती जाती है इसके आसपास राउंड स्क्वायर शेप्स के बहुत सारे कमरे बना दिए जाते हैं कुछ रेलिंग्स लगा दी जाती है ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सबसे पहले एक बालकनी होती है जो अंडा के ऊपर आपको ये जो ऊपर दिख रहा है ये एक बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर होता है एंड इसको माना जाता है कि यहाँ पे भगवान का वास होता है सो दिस इज कॉल्ड हर्मिका ठीक है। दूसरा अब हर्मिका से एक पोल निकल करके आता है और इसको बोलते हैं यशती ठीक है। तो हर्मिका से एक पोल निकल करके आया इसको बोलते हैं यशती और इस यशती के ऊपर एक छतरी होती है ठीक है। तो ये छतरी हो गई हमारी यशती के ऊपर ओके। अब रेलिंग चारों तरफ जो माउंट है उसके आसपास हमें रेलिंग देखने को मिलती है ना सो दैट ये इस एरिया को सेपरेट करती है बाकी एरिया से। अर्ली जो स्तूपा होते थे सांची या बरूत के वो ज़्यादातर प्लेन है स्टोन की रेलिंग उनके ऊपर लगी हुई है या फिर वुड फेंसिंग अगर उनके ऊपर लगी हुई है ठीक है। बट उनके गेटवेज को बहुत सुंदर तरीके से वही अगेन जैसे डोनेशन आता रहेगा जैसे लोग इन्फ्लुएंस होते रहेंगे उसकी डेकोरेशन और भी ज़्यादा होती चले जाएगी ठीक है। अब वर्शिपर्स जो भी पूजा करने वाले होते थे वो ईस्टर्न गेट के थ्रू एंटर होते थे एंड क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर इसके अराउंड चक्कर लगाते थे परिक्रमा करते थे सॉर्ट ऑफ जो सन की डायरेक्शन होती थी उस डायरेक्शन के अंदर ठीक है। बाद के जो स्तूपाज है जैसे अमरावती है या शज्जी की ढेरी है राइट ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बने हैं बहुत इनके ऊपर पैसा लगाया बहुत इनके ऊपर अच्छा हमें स्कल्पचर डेकोरेट करके कार्विंग्स इनके अंदर बहुत अच्छे से हुई है। तो वही था कि विद टाइम ये चेंज होते रहते थे ओके। आगे चलते हैं डिस्कवरिंग स्तूपाज द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है दैट हाउ द फेट of Amravati was different from Sanchi देखो अमरावती जब एक्सप्लोर किया गया, एक्सकेवेट किया गया, अमरावती भी एक स्तूपा था, ठीक है। तो ये पता लगा कि अमरावती सबसे बड़ा स्तूपा होता था एंड बहुत ही सुंदर हुआ करता था, लेकिन उसको प्रिजर्व नहीं किया गया, उसको रिस्टोर नहीं किया गया। आज के टाइम पे अमरावती सॉर्ट ऑफ खंडर हो गया, उसका बहुत सारा लोग सामान चोरी करके ले गए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सांची बहुत ही सही तरीके से आज भी हमने प्रिजर्व करके रखा है। ऐसा क्या रीज़न था, ठीक है। जैसे 1796 के अंदर एक रूलर हुआ करते थे, उन्होंने अमरावती स्तूपा को डिस्कवर किया था। वो कोई टेम्पल बनाना चाह रहे थे आसपास एंड उन्हें लगा था इसके नीचे खजाना होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन्होंने एक्सकेवेट किया था, फिर छोड़ दिया था, ओके। फिर उसके बाद 1800s के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिशियल आए थे कॉलिन मैकेंजी, उन्होंने अमरावती को विजिट किया था, बहुत सारे स्कल्पचर्स को उन्होंने फाउंड किया था, उन्होंने बहुत सारी डिटेल ड्राइंग्स बनाई थी, जो भी उनकी रिसर्च थी उसका एनालिसिस उन्होंने लिखा था, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स को कभी भी पब्लिक नहीं कराया गया, ठीक है। उसके बाद उसके 54 ईयर्स के बाद 1854 के अंदर एक और हमारे कमिश्नर आते हैं वॉल्टर एलोयट आंध्र प्रदेश से, वो विजिट करते हैं, बहुत सारा यहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं एंड कुछ स्कल्पचर्स को यहाँ से लेते हैं एंड उनको मद्रास भेज देते हैं, ठीक है। एंड मार्बल्स को, इसीलिए उसको एलोयट मार्बल कहा जाता है, इन्हीं के नाम के ऊपर उनका नाम रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा उन्हें दिखता है कि वेस्टर्न जो गेटवे उसको भी ये फाउंड करते हैं एंड ये कंक्लूड करते हैं उसको देख करके कि जो अमरावती का जो स्ट्रक्चर था ना वो सबसे बड़ा स्तूपा था एंड बहुत ही मैग्निफिकेंट बुद्ध स्तूपा था, यानी एवर बिल्ट, मतलब इससे सुंदर स्तूपा कभी बिल्ड नहीं किया गया होगा, ये इतना सुंदर और इतना प्यारा था, ठीक है। फिर 1850s के अंदर जो स्लैब्स होती है अमरावती से, वहाँ से हटा करके अलग अलग लोकेशंस के अंदर भेज दी जाती है, बंगाल के अंदर, मद्रास के अंदर, इवन लंदन में भी भेज दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो स्कल्पचर्स थे उनको उठा करके जो ब्रिटिशर्स रहते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनके गार्डन में ले जा करके उनको डेकोरेट करने के लिए लगा दिया गया था। तो देख रहे हो किस तरीके से इसको डिस्ट्रॉय किया गया है, राइट। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है H.H. कोल, उन्होंने कहा है कि ये मेरे को ना सुसाइडल लगता है और एक इनडिफेंसिबल पॉलिसी है कि किस तरीके से हमारे देश को लूटा जाता था, हमारे ओरिजिनल वर्क्स को ऐसे ले जा करके इन ब्रिटिशर्स के गार्डन्स में सजाया जा रहा था, उनकी कोई अहमियत ही नहीं थी, मतलब सजाया भी कहाँ कि ब्रिटिशर्स के गार्डन्स में ले जा करके उसको सजा दिया गया, जिसको टाइम थोड़े टाइम बाद फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, फेंक देंगे, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्यों सांची स्तूपा सर्वाइव किया और अमरावती सर्वाइव नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि सांची को थोड़ा लेट डिस्कवर किया गया था 1818 के अंदर एंड उस टाइम तक हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा कि आज भी जो चारों के चारों गेटवे हैं इसके, दे आर स्टिल स्टैंडिंग एंड दे आर इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। तो कोल ये मानते हैं कि म्यूजियम्स को अगर देना ही है तो आप प्लास्टर कास्ट रेप्लिकास दे सकते हो रादर देन ओरिजिनल पीसेस, बिकॉज आज के टाइम पे अगर देखते हैं तो टूरिज्म इज अ बिग इंडस्ट्री, राइट। अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में भी बात करते हैं, ठीक है, तो टूरिज्म इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जो आज तक का सबसे बड़ा था और उसको अगर हम प्रिजर्व करके रखते, सो इट कैन बी मेड इन टू अ हेरिटेज साइट, जिससे हमें बहुत फायदा हो रहा होता, राइट। तो यही है, सो यही था कि ही वॉज अनसक्सेसफुल रहे वो कन्विंस करने में कि अमरावती के रिगार्डिंग कि हमें उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, राइट उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फाइनली उनकी जो एडवोकेसी थी, उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी, वो एटलीस्ट सांची के केस के अंदर सुन ली गई कि हमें सीटू करना चाहिए, यानी ऑन साइट प्रिजर्वेशन करना चाहिए, रादर देन उनको म्यूजियम्स में लेके जाए, हमें उनको वहीं पर सही कराना चाहिए। अगर कोई मरम्मत की ज़रूरत है तो उसको मरम्मत करा दी जाए, उसको सही तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सो दैट आने वाली जनरेशन हमारी आकर के उस चीज़ को देखें एंड उसको समझ पाए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। स्टोरीज इन स्टोन्स, ये भी क्वेश्चन आता है दैट स्टोरीज इन स्टोन्स का मतलब क्या है बुद्धिज्म के अंदर, राइट। कैसे आप स्टोन से जो स्टोरीज है उनसे आपको बुद्धिज्म के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। इनिशियल अपीयरेंस अगर हम देखते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे जो स्टोन्स हैं, वॉल्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, राइट। बहुत सारा डेटा मिला है, बहुत सारी पेंटिंग्स मिली है। तो इनिशियल अगर हम इस वाली इमेज को देखते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक रूरल सीन दिखता है जिसके अंदर बहुत सारी हट्स है और बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं। अब जब हिस्टोरियंस, अब देखो इमेज को देख करके नहीं समझ में आएगा, तो ये क्या करते थे, बहुत सारे टेक्स्ट को रेफर करते थे, ठीक है। तो उनको समझ में आता है, एक टेक्स्ट था विसेंत्रा जताका, उसमें एक स्टोरी लिखी हुई थी, उनको समझ में आता है कि अच्छा ये उसके बारे में है, ठीक है। तो ये थी एक जेनरस प्रिंस के बारे में जिसने अपना सब कुछ ब्राह्मण्स को दे दिया था एंड वो अपने गाँव को छोड़ करके फॉरेस्ट के अंदर रहने लग गया था अपनी फैमिली के साथ। तो खाली आप इमेज को देख करके नहीं समझ सकते हो, आपको उसके साथ टेक्सचुअल एविडेंसेस को कंपाइल करना पड़ता है एंड फिर समझना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हमें इससे भी बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिली हैं एंड यही स्ट्रक्चर है यार जिनको देखने के लिए लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। एक्चुअली में हम देखते हैं कि कैसे इसको क्रेव करके बनाया गया है। आज के टाइम पर ये जो हैंडवर्क था, है ना, कितना टाइम लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी एंड कितने स्किल्ड वो लोग होते होंगे जो इन सब चीज़ों को बनाते होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सिंबल्स ऑफ वर्शिप की अगर हम बात करते हैं तो हमें अगेन बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। तो जब हम इनकी बुद्धा की हेगियोग्राफी को समझते हैं एंड इन स्कल्पचर्स को देखते हैं तो हमें समझ में आता है, ठीक है। जैसे कि जो उनकी बायोग्राफी थी उसमें डिफाइन था कि जो बुद्धा थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके मेडिटेशन किया करते थे। तो ये वाली अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसके अंदर जो पेड़ के नीचे, अच्छा अब जो बुद्धा जो था गौतम बुद्ध जो हमारे हुआ करते थे उनको ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट नहीं किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक एम्प्टी सीट इनकी छोड़ी गई है, ये एक पेड़ है, ये एक ट्री है, ये उनकी एम्प्टी सीट है और इनके आसपास ये इनके फॉलोअर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी सीट है ये डिपिक्ट करती है कि मेडिटेशन को, राइट, बुद्धा के मेडिटेशन को डिपिक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्तूपा की हमको दी गई है 4.15 के अंदर कि लोग स्तूपा को वर्शिप करते हैं, ठीक है। फाइनल निर्वाणा, ये देखो ये स्तूपा का स्ट्रक्चर है, ये आपका अंडा हो गया, ये आपकी रेलिंग हो गई, ये ऊपर आपकी यश्ती हो गई, ये आपकी अम्ब्रेला हो गई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हील है, व्हील भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका सिंबल रहा है, राइट। तो ये मोशन को बताते हैं, है ना। तो जो पहला सरमन इन्होंने अपना दिया था, पहली जो इन्होंने अपनी स्पीच दी थी सारनाथ के अंदर, उसका यहाँ पे हमें ये रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग स्कल्पचर्स इज नॉट एन ईजी टास्क फॉर हिस्टोरियंस। उनको पिक्चर देख के तो पहली बारी में आपको कुछ समझ नहीं आता था, आपको 10, 15, 20 टेक्स्ट को खंगालना पड़ता था, समझना पड़ता था कि अच्छा इस स्टोरी से आपको ये फेमिलराइज कर पा रहे हैं, राइट। और आपको आर्टिस्ट के ट्रेडिशन से खुद को फेमिलराइज कराना पड़ता था, यानी आपको पास्ट में जाना पड़ता था, अपने माइंड को उधर लेकर के जाना पड़ता था एंड फिर आप समझ पाते थे पूरे सिनारियो को, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है पॉपुलर ट्रेडिशंस। तो इसमें भी अगेन हम कुछ इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ हमें जो भी मटेरियल रिमेन्स मिला है। जैसे कि सांची के अंदर डायरेक्टली हमें बुद्धिस्ट आइडिया के कोई स्कल्पचर नहीं मिले, जैसे और भी बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं जो मे भी बुद्धिस्ट आइडियाज़ को ना डिपिक्ट करते हो, डायरेक्टली उनसे इंस्पायर ना हो। जैसे एक ब्यूटीफुल वुमेन जो है, इसका हमें गेट से लटकी हुई है, स्विंग कर रही है, ऐसा ट्री को इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये इनका ट्री हो गया, ठीक है, ये इधर स्विंग कर रही है। तो हिस्ट्रीज़ के अंदर अगर हमने पढ़ा है तो हमें रेफरेंस मिला है शहाला भंजिका का, हमने नहीं सॉरी जो भी हमारे जो रिसर्चर्स थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने पढ़ा था। तो वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये शाला भंजिका है, जो बेसिकली एक ऐसी वुमेन थी, अगर वो पेड़ पौधों को छू ले तो फ्रूट्स खिलाते थे, ट्रीज़ के ऊपर फ्लावर्स खिलाते थे, राइट। तो इनके जो टच है उसको बहुत ही ज़्यादा अस्पीशियस माना गया है, तो ये एक अस्पीशियस सिंबल हो सकता था या डेकोरेशन का पीस भी हो सकता था, राइट। ऐसा नहीं था कि सारे पीसेस से कुछ ना कुछ जो भी आपका मॉन्यूमेंट बना है, कुछ भी बना है, वो सिर्फ कुछ ना कुछ स्टोरी डिपिक्ट करने के लिए बनाया हो, राइट। उसको मॉडिफाई करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे पीसेस बनाए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा मोटिफ जो है वो सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से, अच्छा इसमें यही था कि लोग जो थे बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने से पहले उनका कुछ और बिलीफ रहता होगा, राइट। तो वही डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप बुद्धिज़्म के साथ साथ आपका जो पुराना बिलीफ है या ट्रेडिशन, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप नॉन बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल को भी फॉलो कर सकते हो, मे बी आप बुद्धिज़्म को मानते हो, आप प्रे करते हो, आप मेडिटेट करते हो, लेकिन आपका लाइफस्टाइल उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है, ओके। अब हमें बहुत सारे डिपिक्शंस मिले हैं डिफरेंट एनिमल्स के, एलिफेंट्स के, हॉर्सेस के, मंकी के, कैटल के, राइट। अब एनिमल्स को सिंबल माना जाता था, जैसे कि एलिफेंट को सिंबल माना जाता था स्ट्रेंथ का, विजडम का, ठीक है। तो एनिमल्स को क्राउ करना, अब अगेन वही उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हो सकता है कि ऐसा सीन बनाया जाए जिससे लोग अट्रैक्ट हो उसको देखें, राइट। उसके पीछे कुछ मैसेज भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एक और मोटिफ है जिसको हम गोजा लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक वुमन है, बीच में ये हमारी वुमन है जिसको सराउंड किया है, नीचे हमारे लोटस हैं, साइड में हमारे एलिफेंट्स हैं, ठीक है। एंड एलिफेंट्स क्या कर रहे हैं, वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे राज्य अभिषेक कर रहे हैं, है ना, अभिषेक कर रहे हो पानी, है ना। तो हिस्टोरियंस का डिबेट है, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये माया है जो गौतम बुद्ध की मदर थी, काफ़ी लोग कहते हैं कि गोजा लक्ष्मी है ना, जो गुड फॉर्च्यून के लिए होता है, गॉडेस हमारी जो माँ लक्ष्मी है उससे एसोसिएट करते थे एलिफेंट्स के साथ में, ठीक है, ओके। आगे हमें एक सर्पेंट मोटिफ मिला है, ऐसे सर्प का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिला है, ठीक है। अब मोटिफ का ये नहीं था कि हमें ज़रूरी नहीं है कि जो ये इमेज है इसका रेफरेंस हमें किसी टेक्स्ट में मिले ही मिले ना मिले, राइट। तो जो जेम्स फिगरसन होते थे, एक अर्ली मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस थे, है ना, उन्होंने बताया कि सांची जो था वो एक सेंटर था ट्री का, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो सांची आपका स्तूपा है वहाँ पे बेसिकली एक सांची स्तूपा के अंदर एक ट्री को वर्शिप किया जाता था, साथ के साथ वहाँ पे एक सर्पेंट यानी नाग की पूजा होती थी, ठीक है। तो डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हमें डिफरेंट लोगों के देखने को मिले हैं एंड इनका जो कंक्लूजन था वो सोलली एक इमेज को लेकर के था, उन्होंने कोई भी टेक्स्ट नहीं पढ़ा था, उन्हें बुद्धिज़्म के बारे में उस टाइम पर ज़्यादा नहीं पता था, ठीक है। तो हर फिलोसोफर का, हर इंसान का एक अपना पर्सपेक्टिव है। अब आप एक इमेज को देखते हो, आपका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, फिर जब आपको कोई स्टोरी बताता है कि इसके पीछे ये कहानी है, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये उससे एसोसिएटेड है, राइट। तो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, राइट। बट द पॉइंट हेयर इज कि हमें इन सब चीज़ों से बहुत सारी नॉलेज मिली है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिली है अपने पास्ट के बारे में, राइट। पेंटिंग फ्रॉम पास्ट, पेंटिंग्स जैसे स्कल्पचर की तरह एक मीन थी विजुअल कम्युनिकेशन का, कि आप विजुअली उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इससे जो भी हमारी केव वॉल्स के ऊपर थी, बनी हुई थी, अलग अलग स्टोरीज़ को डिपिक्ट करती थी, तो हिस्टोरिकल इंसाइट्स वो हमें प्रोवाइड करती थी। अजंता केव्स महाराष्ट्र के अंदर, वो बहुत वेल प्रिजर्व्ड है, उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी, सॉरी जो अजंता पेंटिंग्स है वो बहुत सारी स्टोरीज़ को डिपिक्ट करती है कि वहाँ की लाइफ कैसी होती थी, कोर्टली लाइफ कैसी होती थी, प्रोसेशंस कैसे होते थे, फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट किए जाते थे, ठीक है। 3D टेक्निक को यहाँ पे यूज़ किया गया है, कुछ पेंटिंग्स को इतना नेचुरलिस्टिक बनाया गया है कि वो बिल्कुल रियल लगती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं। आगे चलते हैं न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, द डेवलपमेंट ऑफ महायाना एंड बुद्धिज्म। अब कोई भी फिलॉसफी है, कोई भी कल्चर है, कोई भी रिलीजन है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। आज से 2 साल पहले लोग कुछ और मानते थे, 2 साल बाद वो कुछ और मानेंगे, ठीक है। तो 1st सेंचुरी BC तक हमें बुद्धिस्ट आइडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक बन जाता है हमारे पास अर्ली बुद्धिज्म जो अभी तक चलता आ रहा था, ठीक है। एक बन जाता है हमारे पास लेटर बुद्धिस्ट थॉट जिसको महायाना कहा जाता है, ठीक है, ओके। तो बुद्धा को बेसिकली एक ह्यूमन ही माना जाता था अर्ली बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, जिनका काम था कि वो एनलाइटमेंट देते थे। वो कहते थे कि आपको अपने एफर्ट्स करने चाहिए, इंडिविजुअल अपने खुद के एफर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो दैट वो निभाना या एनलाइटमेंट को अटेन कर पाए, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली आइडिया आने लगा सेवियर का। सेवियर आप मान सकते हो, सेवियर इज समथिंग जो दूसरों को बताए, राइट, कि कैसे आपको क्या एफर्ट करने हैं। सेवियर का एग्जैक्ट मतलब होगा रेस्क्यूअर, है ना, जो दूसरों को रास्ता दिखाए। स्पेलिंग गलत हो गई, प्लीज सही कर लेना, ठीक है। बुद्धिज्म के अंदर यानी अब जो नया हमारे पास एक बिलीफ आने लगा था बोधिसत्व का, वो ये मानते थे कि आपको कंपैशनेट होना चाहिए, आपको दूसरों को सेलिवेशन, निबाना दिलाने के अंदर मदद करनी चाहिए, रेदर देन सीकिंग इट फॉर देमसेल्फ, ठीक है। तो जो महायाना बुद्धिस्ट थे वो अपने आप को महायाना कहते थे, एंड जो लेटर वाले थे ये उनको हिनाया कहते थे, हिनान्या, ठीक है। वो कहते थे कि आप लेसर व्हीकल हो, ठीक है। महायाना का मतलब होता है ग्रेट व्हीकल, तो इसके कंपैरिजन में उन्होंने इनको हिनान्या कह दिया था, जिसका मतलब था लेसर व्हीकल, ठीक है। एंड अब जो बोधिसत्वा थे या जो ये महायाना थे, ये बुद्धा और बुद्धिस्टा दोनों की ही इमेजेस को वर्शिप करते थे, इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया था। और जो ओल्डर ट्रेडिशन वाले होते थे, अब वो खुद को क्या बोलते थे, त्रेवदनंस बोलते थे, ठीक है। कुछ प्रोनाउंसिएशन यार गलत हो सकते हैं, जनरली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यही हो गया कि अर्ली बुद्धिज्म जो था वो मेनली एसोसिएटेड था कि आपको सेल्फ एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना है। लेटर जो बुद्धिज्म हमारे पास महायाना, जिसका मतलब होता है ग्रेट व्हीकल, उसका फोकस था कि हमें दूसरों को हेल्प करना चाहिए निबाना को अटेन करने के लिए। एंड दे यूज टू कॉल द लेटर वन एज हिनान्या। तो ये याद रखना, हिनान्या का मतलब है लेसर व्हीकल एंड महायाना का मतलब है ग्रेट व्हीकल, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। आप एमसीक्यू में लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस ये एक एमसीक्यू में आया था, आपको ये इमेज दे दी गई थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये बुद्धा की इमेज है मथुरा से। तो जो भी आपकी एनसीईआरटी में इमेजेस भी है ना यार, उनको बहुत अच्छे से याद रखना, सीयूटी में भी स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है सेवियर का कि आपको दूसरों को भी मदद करके चलनी है, दूसरों को भी आपने ज्ञान बांटना है, आपने सब कुछ समझाना है, वो बाकी ट्रेडिशंस में भी प्रेजेंट था, हिंदुइज्म में भी था, ठीक है। अब कुछ हमें पार्ट दिए हुए हैं, जैसे वैष्णविज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं। शिविज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम भगवान शिव को अपना सेंटर मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। अब दोनों ही जो ट्रेडिशंस है, कुछ भी ट्रेडिशन हो, उसके अंदर फोकस होता था, एम्फेसिस होता था डिवोशन के ऊपर, भक्ति के ऊपर, ठीक है। ये पर्सनल बॉन्ड को दर्शाता था बिटवीन डिवोटी एंड डीटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब वैष्णविज्म की अगर हम बात करते हैं तो भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे, राइट, सो दैट वो संसार को बुराई से या डिसऑर्डर से सेव कर पाए, राइट। अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग उन्होंने अवतार लिए हैं, एंड फिर उस टाइम स्पैन के अंदर जो भी बुराई होती थी उसको हरा करके अच्छाई की जीत की है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन के अंदर हमारे पास अलग अलग अवतार पॉपुलर है, एंड कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे ट्रेडिशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वारा या भोरा अवतार जो था, है ना, वो अर्थ गॉडेस जो हमारी अहिल्या थी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सेव कर रहे हैं, तो उसका इमेज हमें कर्नाटका से देखने को मिला है, पूरा डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। तो जो भगवान शिव थे उनका रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं तो हम यूजुअली लिंग से कर रहे होते हैं, शिवलिंग से कर रहे होते हैं, काफ़ी बार हम ह्यूमन फॉर्म में भी उनका प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, राइट। तो ये होता है। तो जो स्कल्पचर्स होती थी अब उनके अंदर सिम्बल्स लगे होते थे, जैसे उनके सर पे कुछ है ना, जैसे हमारी गॉडेस है तो उनके हाथ में, किसी में लोटस का फूल है, किसी के हाथ में तलवार है ना, माँ काली के हाथ में अलग अलग ऑर्नामेंट्स होते थे, वेपन्स होते थे जो इनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते थे, राइट। तो जो हिस्टोरियंस है अब इनके पीछे की सारी स्टोरीज़ को समझना पड़ता था स्कल्पचर के बारे में, वो पुरान्स को पढ़ते थे, जो भी उनके अंदर डेटा था, ठीक है, फिर वो उसको कोरिलेट करके समझने की कोशिश करते थे, ठीक है। यही हमारी एनसीईआरटी में इमेजेस दी गई है। एनसीईआरटी की इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 4.26 के अंदर जो भगवान विष्णु हैं वो शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं। कहाँ से मिला है हमें? दरौग से, यूपी से मिला है, ठीक है। इसके अलावा माँ दुर्गा की यहाँ पे हमें एक इमेज मिली है, कहाँ से? महाबलीपुरम से, तमिलनाडु के अंदर 6th century CE की है। ओके, आगे चलते हैं। बिल्डिंग टेम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, अराउंड द टाइम जब स्तूपाज जैसे सांची वगैरह बन रहे थे, बहुत मार्वलस टेम्पल्स भी हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, जिनके अंदर हमारे भगवान की, देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी, राइट, उनके स्कल्पचर्स होते थे। अब जो अर्ली टेम्पल होते थे, टेम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, तो उनके अंदर एक छोटा कमरा होता था सबसे पहले, जिसको हम क्या कहते थे? गर्भगृह, है ना, जहाँ पे हमारे भगवान का निवास होता है, राइट। सो उसको हम बोलते हैं गर्भगृह। उसके अंदर सिंगल डोरवे होता था, जिसके अंदर लोग वहाँ से जाते थे, वर्शिप करते थे, है ना, पूजा पाठ करते थे। ओवर टाइम ये स्ट्रक्चर और भी बड़ा होता चला गया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर होता था, शिकारा हम इसको बोलते थे, है ना, ऊपर की तरफ में ऐसे हमारे वो शिखर बनाए जाते हैं, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिखारा बोलते हैं। अब जो टेम्पल्स वॉल्स होती थी उनको अडॉन किया जाता था, उनके ऊपर बहुत सारा सुंदर काम किया जाता था, पेंटिंग्स होती थी, है ना, होती हैं अभी भी टेम्पल्स के अंदर। तो बहुत ही ऐसे एलोबरेट टेम्पल्स बनाए जाते थे, जिनके अंदर अब बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, बड़े बड़े गेट्स होते हैं, वॉल्स होती है, सारी फैसिलिटीज़ होती है, राइट। तो ये भी हमें एक फिगर दी गई है, एक टेम्पल है दियोगरा के अंदर, यूपी के अंदर, अगैन 5th century CE का, ठीक है। अब हमें बहुत सारी यूनिक फीचर्स देखने को मिले हैं, है ना। अर्ली टेम्पल्स जो होते थे उनके अंदर बड़े बड़े रॉक्स को, पहले बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि हम आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उनको बनाया कैसे गया होगा, है ना। बिल्कुल चट्टानों को काट करके उनके अंदर ही पत्थर बना दिए गए हैं, ठीक है। 3rd century BC के अंदर अगर हम देखते हैं तो अशोका जो किंग थे हमारे, उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स को बनाने के लिए रॉक्स को कट कराया था, राइट। अब जो ट्रेडिशन था वो अपने पीक पे था। जो कैलाशनाथ टेम्पल है हमारे पास, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से माउंटेन में से, पहाड़ में से काट करके उसको पूरा बनाया गया है, क्या उसके अंदर 3D फंक्शंस हैं, ठीक है, किस जो भी उसके अंदर आर्किटेक्चर है हमारा, पिलर्स जिस तरीके से बनाए गए हैं, जो भी पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल, ठीक है। एंड यही था कि एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यहाँ पे बनाई गई थी, जिसके अंदर जो चीफ था, जो चीफ स्कल्प्टर था, जिसने इसको बनाया था, वो बनाने के बाद ये कहता है कि ओह हाउ डिड आई मेक इट, मतलब वो अम्यूज होता है उस चीज़ को देख करके कि ये मैंने बनाया कैसे, है ना। तो इतना अमेजिंग स्ट्रक्चर वो बना करके गए हुए हैं। आगे चलते हैं, कैन वी सी एवरीथिंग। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं हमारे बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में, हमने अब टेम्पल्स का भी पढ़ लिया, शिविज़्म, विष्णुइज़्म, है ना, विष्णुइज़्म, ये सब आ रहे थे, टेम्पल्स का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, राइट। तो हम मेजरली इस चैप्टर में हमने यही बताया है कि जो भी हमारे पास फिजिकल रिमेन्स है ना, जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस है, उनसे हमने बहुत कुछ डेटा समझा है अपने पास्ट के बारे में, एंड अगर हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड किस तरीके से हमने अमरावती का भी एग्जांपल दिया है, जिसको कंप्लीटली लूट लिया गया था, ठीक है, एंड इट कुड हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट हेरिटेज साइट्स, राइट, वो बन सकती थी क्योंकि वो थी, लेकिन हमारी खुद की लापरवाही की वजह से हमने उसको खो दिया, राइट। आगे चलते हैं, कैन वी सी एवरीथिंग। तो की लर्निंग्स यही है कि हमें बहुत सारे रिच विजुअल ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं इन ब्रिक्स के अंदर, इस आर्किटेक्चर के अंदर, इस स्कल्पचर के अंदर, इन पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हेरिटेज साइट्स है या तो वो लॉस्ट हो गई है, उनको प्रॉपरली प्रिजर्व करके नहीं रखा गया, या फिर वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है ओवर द सेंचुरीज। अब लेकिन जो रिमेनिंग है और जो प्रिजर्व है आज भी, वो हमें उतनी अच्छी इंसाइट्स देती है हमारे पास्ट के बारे में, हमें सारा स्टोरी डिपिक्ट करके बताती है। साथ के साथ हमें आर्टिस्ट की स्किल देखने को मिलती है, स्कल्पटेटर्स की, मेसॉन्स की, जिन्होंने उसको बनाया है, राइट, जिन्होंने स्ट्रक्चर को बनाया है, एंड दे स्टैंड डिफरेंट, कि जब टेक्नोलॉजी हुआ भी नहीं करती थी तब हमारे यहाँ पे 3D 4D इमेजेस बन रही थी, राइट, जब इतना टेक्नोलॉजी था भी नहीं, मशीन्स थी भी नहीं, तब भी पत्थर को काट करके इतने सुंदर टेम्पल्स बनाए जा रहे थे, इतने सुंदर स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, राइट। सो दिस इज द की लर्निंग। नेक्स्ट है ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर। तो अब जो यूरोपियन स्कॉलर्स आए हैं 19th century में, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम यूरोपियन स्कॉलर्स को पढ़ रहे हैं, भाई उनको क्या पता है हमारे कल्चर के बारे में। वो आते थे, 4 दिन रुकते थे, देखते थे, समझते थे। मैं ये नहीं कह रही उन्होंने एफर्ट्स नहीं लिए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलेक्ट पीपल आए होंगे, लेकिन जो एक्चुअल हिस्ट्री थी वो तो हमारे यहाँ के लोगों को पता होगी, जो उन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं, जो उन्होंने बातें लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने टेक्स्ट नहीं लिखे हैं, हमारे यहाँ पे हिस्टोरियंस पैदा नहीं हुए, बहुत अच्छे अच्छे पैदा हुए हैं, लेकिन हमको उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता है, राइट। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो इन्होंने लिख दिया हम वही पढ़ते आ रहे हैं, बट एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड हमको यही पढ़ना पड़ेगा। 19th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियन स्कॉलर्स आए उन्होंने बहुत ज़्यादा वो पजल हो जाते थे काफ़ी बार हमारी स्कल्पचर्स को देख करके, एंड काफ़ी बार वो शॉक होते थे कि हमारे पास ऐसे फिगर्स है या ऐसे स्कल्पचर्स हैं जिनकी मल्टीपल आर्म्स हैं, है ना, हेड हैं या ह्यूमन एनिमल का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये इनको समझने के लिए काफ़ी अलग अलग टेक्स्ट को पढ़ते थे, लेकिन इनका जो मेजर कंसर्न था दैट वॉज टू फेमिलरिटी जो इनको देखने को मिल रही थी। जो ग्रीस के अंदर जो सिविलाइजेशंस मिली थी उस टाइम पे भी, जो ग्रीस की सिविलाइजेशन जब फाइंड आउट हुई थी तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिले थे, एंड काफ़ी सारी सिमिलरिटी थी बिटवीन हमारे यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मिल रहे थे और जो ग्रीस से उन्होंने स्कल्पचर्स को कलेक्ट किया था, ठीक है। जो इमेजेस थी जब उन्हें मिली बुद्धा और बुद्धिस्टा की, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी ग्रीक के आर्टिस्टिक स्टाइल से, तो वो उसको लेकर के ज़्यादा कंसर्न थे, राइट। वो कहीं ना कहीं कनेक्ट या लिंक बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें इस टाइम में यहाँ मिला है और ऐसा ही स्ट्रक्चर इस टाइम में यहाँ मिला है, तो मे बी पास्ट में इन दोनों सोसाइटीज़ का सिविलाइजेशन का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा हो, ठीक है। तो यही था कि हमें बहुत सारे ग्रीक बुद्धिस्ट कल्चर्स मिले हैं नॉर्थ वेस्टर्न सिटीज़ में, तक्षशिला, पेशावर के अंदर, जो एक टाइम पे इंडो ग्रीक किंग्स के थ्रू ही रूल की जाती थी। तो इनका मेजर कंसर्न उसी चीज़ को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्स्ट एंड इमेजेस डू नॉट मैच, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कल्पचर है महाबलीपुरम में, अगर आप यूट्यूब पे एक बार इसको सर्च करके देखना आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर लोगों ने दिखाया हुआ है, ठीक है। ये यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट प्रिजर्व्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़े रॉक के ऊपर एक इमेज बनाई हुई है एंड इसके ऊपर दो स्टोरीज है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इसको डिसेंडेंट ऑफ गंगा कहा जाता है ना, यही कहते हैं। हमारे पास एक स्टोरी भी है कि जो गंगा जो हमारी रिवर है वो हेवन से, स्वर्ग से निकल करके आई है। जब जो राजा हो गए थे भागीरथ, उन्होंने बहुत सारा तप किया था, राइट, बहुत सारी प्रतीक्षा की थी, तपस्या की थी, एंड फिर खुश होकर के गंगा को हेवन से लाया गया था, राइट। ये हमारे पुराणाज के अंदर है। तो एक ये स्टोरी डिपिक्ट की गई है। ऑन द अदर साइड एक तरफ हमें जो अर्जुन है उसका हमें एक स्ट्रक्चर बना करके दिया हुआ है, उसका एक स्कल्पचर बना हुआ है जो एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ है, एंड अगेन वो भी मीनेंस कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है, ठीक है, रिवर बैंक के ऊपर खड़ा होकर के, सो दैट वो भगवान विष्णु से शिव से अपने वेपन्स, अपने अस्त्र को दोबारा से अटेन कर पाए, राइट। तो ये हमें दो इमेजेस का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला एंड दोनों ही स्टोरीज हमारे पास रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेटेड हो जाता था कि काफ़ी बार आपका जो टेक्स्ट है और इमेजेस है वो मैच नहीं करती थी, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना एंड फिर वही सब चीज़ें स्टोरीज़ के अंदर सेम मिलना, जो भी हमारे पास रिटर्न प्रूफ्स है, टेक्स्ट हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्चुअली में हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। हम कहते हैं कि हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं पता, नहीं, हमको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो सही तरीके से हमें पढ़ाई नहीं गई है, टाइम टू टाइम उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दैट इज़ द हार्श रियलिटी विच वी आर सेटलिंग डाउन विद, एंड आज के टाइम पे इसीलिए हमारे पास इतने सारे डिबेट्स हैं, राइट। इवन हमारी जो क्लास 12 की हिस्ट्री है, 11-12 की हिस्ट्री, इसको और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाया जा सकता था ऐसे ही चीज़ों को हमको पढ़ा करके। इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रक्चर इन इट सेल्फ। जस्ट गो थ्रू अ यूट्यूब वंस, एक बार ही सर्च करके देखना प्लीज़, ठीक है। एंड या मतलब वी शुड अप्रिशिएट जो भी चीज़ें हमारे पास, जो भी मोन्यूमेंट्स आज के टाइम पे हमारे पास है, एंड अगर हम किसी भी हेरिटेज साइट पे जाते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको जाकर के पल्यूट ना करें एंड उसको प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है सब चीज़ों को प्रिजर्व या रिस्टोर करके रखना। सबसे पहली जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, कॉमन सिटीजन्स की बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक बार फटाफट से मैं मैप और टाइमलाइन समझा देती हूँ एंड उसके बाद मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दूंगी। मेजर साइट्स लुबनी है, लुबनी बिल्कुल नेपाल के पास है, इधर यूपी से थोड़ा सा ऊपर जा रही है, ठीक है। बोध गया हमारे पास बिहार में है, भरूच हमारे पास एमपी में है, सांची भी हमारे पास एमपी के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अजंता हमारे पास महाराष्ट्र में है, ये बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है। अमरावती हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ आ गया, एंड यहीं पे हमारे पास नगर जुना कोंडा आता है, सॉरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने किया हो तो। ये मेजर साइट्स है, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार। मैं आपको टाइमलाइन अगर हम देख लेते हैं तो 1500 से 1000 बीसी तक हमारा अर्ली वैदिक ट्रेडिशन आता है, 1000 से 500 बीसी तक हमारा लेटर वैदिक फेज आता है, ठीक है। 6th सेंचुरी के आसपास हमारे पास अर्ली उपनिषद्स लिखे जाने लगे थे, जैनिज्म बुद्धिज्म में मर्ज होने लगा था। पहला स्तूपा 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड बना था, ठीक है। उसके बाद 2nd सेंचुरी बीसी के अंदर महायाना बुद्धिज्म डेवलप होने लग गया था, जिनका एक डिफरेंट माइंडसेट था। ये कहते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट्स तो अलग तरफ है, लेकिन हमको लोगों को गाइड करना चाहिए सो दैट सबको सेलिब्रेशन मिल पाए। वैष्णविज्म, शिविज्म एंड गॉडेस कल्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले है। 3rd सेंचुरी सी के अंदर हमारे बहुत पुराने टेंपल बने थे, टेंपल इससे पहले भी बन रहे थे, ठीक है। ऋग्वैदिक वैदिक फेज के अंदर भी बहुत सारे टेंपल्स बने हैं, ठीक है। लैंडमार्क डिस्कवरीज की अगर हम बात करते हैं, 1814 के अंदर हमारे पास इंडियन म्यूजियम फाउंड किया गया था कोलकाता के अंदर। 1834 के अंदर ऐसे लिखा गया था। 1835 में जेम्स फिरिक्सन आए थे, है ना, जिन्होंने मेजर साइट्स को यहाँ पे वो किया था एंड जिन्होंने अमरावती की साइट्स को कहीं ना कहीं एक्सकेवेट किया था। फिर 1851 के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट म्यूजियम बना था। मेजर जो आप याद रखना है वो आप 1854 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, इन्होंने पब्लिश की थी भिलेशा टॉप्स, जिसके ऊपर इन्होंने सांची के अंदर जो भी इनकी रिसर्च थी उसको लिखा था। H.H. कोल को अपॉइंट किया गया था 1880 के अंदर, राइट। उसके बाद जिन्होंने अमरावती के अंदर जिनकी बात नहीं मानी गई थी, लेकिन सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने के लिए इनकी बात मान ली गई थी, ठीक है, ओके। जॉन मार्शल 1914 के अंदर आए हैं, 1923 में जॉन मार्शल ने अच्छा अपनी बुक्स पब्लिश की हैं। फिर 1955 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने हमारी फाउंडेशन रखी थी स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर। 1989 के अंदर सांची को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था, 1 मार्क के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ CUET एंड योर बोर्ड्स, ठीक है। सांची को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, आई होप आपको समझ में आया हो। मैं एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करा देती हूँ आपको, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड हमने थोड़ा बहुत बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, हमने सांची स्तूपा का ग्लिम्स देखा कि कैसे उसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। फिर हमने थोड़ा बहुत सेक्रीफाइजेस और डिबेट्स वाला पार्ट पढ़ा, इससे ऑल दो क्वेश्चन आते नहीं हैं। क्वेश्चन आएंगे कि कैसे बुद्ध टेक्स्ट को प्रिपेयर किया गया था या प्रिजर्व किया गया था, ठीक है। और जैनिज्म से भी क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयरली आता है, है ना। बुद्धिस्ट की टीचिंग के बारे में हमें कैसे पता, अगेन ये उसी से आप टॉपिक को मर्ज करके लिख सकते हो। गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में हमने पढ़ लिया, बुद्धा की टीचिंग से क्वेश्चन आ सकता है। फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा कि उनके संघ का क्या स्ट्रक्चर होता था, राइट, कौन कौन अलाउड था, कौन कौन नहीं अलाउड था, है ना, कहाँ कहाँ से बैकग्राउंड से वो लोग आते थे, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था, कोर वैल्यूज़ इनकी क्या थी। आप सारी चीज़ें पॉइंट मिक्स मर्ज करके आप पूरा आंसर अच्छे से बना सकते हो। 8 नंबर के अंदर आपको सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। आए बाएँ दाएँ जो भी आपने पढ़ा है ना। स्तूपाज के बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन पहले भी पढ़ के आए, कुछ डिस्क्रिप्शन अब हमने इन स्लाइड्स पे पढ़ा है, तो आपको सब मिक्स मर्ज करके लिखना होता है, राइट। चेतिया चिता टर्म से आया है ना। 4 मेजर इनके जो बुद्धा की लाइफ के प्लेसेस एसोसिएटेड है। नंबर 1 लुम्नी जहाँ पे इनका बर्थ हुआ, नंबर 2 बोध गया जहाँ पे इन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया, नंबर 3 सारनाथ जहाँ पे इन्होंने अपना पहला सेरमन दिया, एंड नंबर 4 कुशीनगरा जहाँ पे इन्होंने निबाना को अटेन किया, ठीक है। वाई वर स्तूपाज बिल्ड ताकि उनके जो सेक्रेड रिमेन्स हैं या रिलिक्स हैं उनको स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जा सके, इसीलिए उन साइट्स को डेवलप किया जाता था। एंड हाउ वर स्तूपाज बिल्ड के अंदर आप ये पूरा स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अमरावती की फेट सांची से क्यों डिफरेंट थी, बिकॉज अमरावती के टाइम पे ना उतनी ज़्यादा सोशल अवेकनिंग थी, लेकिन सांची के टाइम तक हमारे पास काफ़ी सारी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी थी एंड हमने उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखा है। स्टोरीज इन स्टोन से हम बता सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टोन के अंदर डिपिक्शंस हैं जिससे हमें बुद्धिज्म या किसी भी कल्चर के बारे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिली है। उसी में आप ये सिंबल ऑफ वर्शिप वाला भी अटैच कर सकते हो कि आपको एक ट्री का डिपिक्शन मिला है जिसमें वो मेडिटेशन करते हुए बताते हैं, एक आपको स्तूपा का इमेज मिला है जिसके अंदर वो लोग उसको वर्शिप कर रहे हैं, व्हील का इमेज मिला है जो आपको ये सिग्निफाई करता है कि वहाँ पे उनका पहला सेरेमन या स्पीच वहाँ पे उनकी हुई थी, ठीक है। पॉपुलर ट्रेडिशंस को हमने पढ़ लिया है। उसके बाद महानाया वर द ग्रेट व्हीकल एंड हिनाया वर द लेसर व्हीकल, डिफरेंस मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।